व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपके फिफ्थ चैप्टर का ही नेक्स्ट कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। हम लोगों ने जो इनहेरिटेंस इन वन जीन है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, प्लस्टेस क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेट्रा, हमने पिछले दो वीडियोज में पढ़ लिया है। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मीन्स की दो जीन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेंडल ने ये क्रॉस किया, अगर आपको याद हो तो हमारे पास राउंड सीड होती है जो, और एक होती है रिंकल्ड सीड, ठीक है, दूसरा होता है येलो सीड और दूसरी होती है ग्रीन सीड, ठीक है। तो ये जो राउंड और येलो है, ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, जो हमने पहले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो अब राउंड को डिनोट करते हैं आर आर से, या रिंकल्ड को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, येलो को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, और ग्रीन को डिनोट करते हैं स्मॉल वाई से। तो मेंडल ने क्या किया, ये दो अलग अलग ट्रेड्स को, यानी कि राउंड एंड रिंकल्ड, यानी कि सीड के शेप को, पहला है शेप ऑफ द सीड, ठीक है, फर्स्ट इज शेप ऑफ द सीड, और दूसरा था कलर ऑफ द सीड। तो ये इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन करके क्रॉस कराया और उसके बाद उसका रिजल्ट देखा। तो व्हाट ही फाउंड, लाइक अगर मान लीजिए आपके पास जो पेरेंटल जनरेशन है, अगर हम पेरेंटल जनरेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए राउंड एंड येलो प्लांट है, उसको जब इन्होंने क्रॉस किया रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट के साथ, मतलब राउंड एंड येलो, दैट इज आर आर और वाई वाई, क्योंकि राउंड को आर आर से करेंगे और येलो के लिए वाई वाई, इसको क्रॉस किया रिंकल, दैट इज स्मॉल आर और ग्रीन यानी कि स्मॉल वाई के साथ, दिस इज कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो इनको जब आपस में क्रॉस कराया इन्होंने, तो इनको जो गेमीट्स मिले, दैट इज जी गेमीट्स जो मिले, वो मिले क्योंकि गेमीट्स में क्या होता है 50% ही तो जीन्स आएंगे ना, तो इसलिए इसमें से एक आर आ जाएगा और इसमें से एक वाई आ जाएगा, लाइकवाइज यहाँ से भी एक आर आ जाएगा और यहाँ से भी एक वाई आ जाएगा। तो इनको जो गेमीट्स मिले वो ये मिले। अब जब इन गेमीट्स को इन्होंने फर्टिलाइज करा दिया, यानी ये दोनों गेमीट्स जब फर्टिलाइज हो गए, तो फर्टिलाइज होकर के इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, दैट वॉज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो वो जो प्रोडक्ट था वो था आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, आर आर वाई वाई, दैट वॉज योर फर्स्ट जनरेशन, एफ फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसमें जब हम कराते हैं सेल्फिंग, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। तो अब जब हम यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे, तो यहाँ पे भी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। तो यहाँ पे अब इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो आपको क्या लगता है इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल आर है, यानी कि जब भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा वहां पे डोमिनेटिंग ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा, यानी कि राउंड, और कैपिटल वाई है यानी कि येलो। तो आपके पास जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का फिनोटाइप आएगा वो राउंड और येलो आएगा। अब ये जो इन दोनों को क्रॉस करा के जो हमारे पास पुनेट स्क्वायर बनता है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए F1 जनरेशन जो हमने भी पिछले स्लाइड में देखा कि वहां पे क्या था, आर आर वाई वाई, उसको हम सेल्फिंग करा रहे थे, दैट इज राउंड येलो को हम सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस जनरेशन में भी तो हमें गेमीट्स मिलेंगे ना, तो इसके गेमीट्स भी हम बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आर आर और वाई वाई है, तो इसका हमको गेमीट बनाना पड़ेगा तभी तो हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जैसे देखिए ये कैपिटल आर है तो ये एक कैपिटल वाई के साथ एक गेमीट बनाएगा। कभी भी एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपके पास एक आर आएगा और एक वाई आएगा, कभी भी दो आर या दो वाई एक साथ नहीं आएंगे जब भी आप F1 जनरेशन के सेल्फिंग के लिए गेमीट्स बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, या फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ गया, या फिर ये हो सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई आ जाए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ जाए, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाए, यानी आपके पास ये चार तरह के गेमीट्स बन गए। अब इन्हीं चार तरह के गेमीट्स को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये चार गेमीट्स आपके इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, यानी एक चार इस तरफ, चार इस तरफ। तो कैपिटल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक और चीज याद रखना है, जब भी आप लिख रहे हैं कुछ भी तो देयर शुड बी सम सीक्वेंस, यू नो। अगर आप आर पहले लिख रहे हैं तो आप यहां भी पहले आर ही लिखेंगे, ये नहीं कि आप यहां पे पहले वाई लिख दें क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि ये डोमिनेंट रेट है। बट हम यहां पे दो अलग अलग डोमिनेंट रेट्स की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल डोमिनेंट रेट। मतलब ऐसा नहीं है कि राउंड सीड की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड यानी कि सीड शेप जो है हम पहले लिख रहे हैं, तो हम सीड शेप को ही पहले लिखेंगे, उसकी ही एलील्स को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए हमने हर जगह देखिए आप आर सबसे पहले लिखा है और वाई को हमने बाद में लिया है, बीट कैपिटल बीट स्मॉल डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, फाइन। नाउ इट्स वेरी इजी। अब आप इसको सिंपल क्रॉस करके देखिए, जैसा आप F1 लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते थे। अब हम इसका क्रॉस बनाते हैं, देखिए दो आर हैं तो कैपिटल आर पहले एक साथ आर लिख देंगे फिर एक साथ वाई लिख देंगे, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फाइन। फिर नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल आर, और हाँ अब जैसे देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप अगर R और Y में कंफ्यूज नहीं होना है, R अगर आ रहा है पहले तो R ही आएगा, Y बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल R है, इस जगह पे आपको ध्यान रखना है जैसा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते थे कि R का जो ट्रेट है यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो आप पहले लिखेंगे, दैट इज कैपिटल R आप पहले लिखेंगे फिर स्मॉल R लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोनों जगह क्या है कैपिटल Y है तो डजंट मैटर आप दोनों जगह कैपिटल Y लिख दीजिए। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखिए कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y एंड देन स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे भी आपके पास दो कैपिटल आर हैं तो पहले आप आर लिख दीजिए, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, यानी आप पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पे फिर चलते हैं आगे, कैपिटल आर यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई हैं तो दोनों स्मॉल वाई आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, अब यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये ऐसे हम एंड सो ऑन इसको लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए आप कैपिटल आर है तो जहाँ पे कैपिटल आर है वहाँ पहले आएगा, फिर यहाँ पे स्मॉल आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हैं तो दोनों कैपिटल वाई आ गए, यहाँ पे फिर से आर कैपिटल है पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, फिर कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल वाई आ जाएगा, फाइन। फिर यहाँ देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ फिर देखें अब यहाँ पे फिर से कैपिटल आर पहले आएगा, फिर स्मॉल आर आएगा, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, लाइकवाइज इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ स्मॉल आर ही है सिर्फ तो पहले दोनों स्मॉल आर लिख देंगे, फिर कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है, तो यानी पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, और एट लास्ट दोनों जगह स्मॉल स्मॉल है तो यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे कि हमने ये क्रॉस तो कर लिया, इसके बाद हमारा रेशियो क्या आया। तो नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे उसमें है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, तो इसके लिए पहले हम फिनोटाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आप बताइए यहाँ दोनों कैपिटल आर है यानी कि ये राउंड सीड होगा और कलर येलो होगा क्योंकि कैपिटल वाई है दोनों, यहाँ पे क्या होगा ये भी राउंड होगा क्योंकि दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है यानी कि एक डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे ये येलो ही सीड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये कैपिटल आर है यहाँ पे प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील है इसलिए ये राउंड होगा, और कैपिटल वाई है यानी ये येलो भी होगा, यानी कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। मतलब इट डजंट मैटर कि ये अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस भी है, यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
कैपिटल यानी डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में जो रेसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे राउंड ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये राउंड है बट येलो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट वाई नहीं है, यहाँ पे रेसेसिव वाई है इसलिए राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ये राउंड एंड येलो है, ये फिर से राउंड तो होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ये येलो नहीं होगा, ये ग्रीन होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई प्रेजेंट है। यहाँ पे फिर से ये राउंड होगा लेकिन ये येलो भी होगा। अब यहाँ पे देखें, कैपिटल प्रेजेंट है यानी ये राउंड होगा, और क्योंकि कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है इसलिए येलो भी होगा। अब यहाँ पे क्योंकि कोई कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो होगा ये रिंकल्ड सीड है, बट यहाँ पे ये येलो भी होगा क्योंकि ये यहाँ पे वाई कैपिटल प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ये भी रिंकल्ड है बट एलील वाई जो है वो कैपिटल है इसलिए ये येलो है। फाइन, अब इसका देख लेते हैं, ये भी राउंड होगा बट ये क्या है, येलो है। ये क्या होगा, ये भी राउंड है क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, और ये जो है एलील जो है वो क्या है, रेसेसिव है, इस राउंड और ग्रीन एलील प्रेजेंट होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये रिंकल्ड एंड येलो प्लस, अब ये क्या होगा, ये रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा फिनोटाइप हमारे पास आ चुका है। अब ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, लेट्स सिलेक्ट देम आउट। हमारे पास राउंड येलो एक फिनोटाइप है, राउंड येलो पहला फिनोटाइप है हमारे पास, इज टू हमारे पास एक फिनोटाइप है राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड है और वो ग्रीन है, इस टू हमारा नेक्स्ट फिनोटाइप है राउंड येलो राउंड ग्रीन, नेक्स्ट हमारा फिनोटाइप है रिंकल्ड येलो, अब इसके साथ हमारे पास देखें रिंकल्ड ग्रीन है, ओके लेट्स काउंट हमारे पास राउंड येलो कितने हैं, ठीक है, थीके? जो भी राउंड येलो मैं इनको हाईलाइट कर रही हूं, राउंड येलो वन, राउंड येलो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। तो हमारे पास राउंड येलो जो है वो कितने हैं, नाइन इज टू राउंड ग्रीन कितने हैं, नाउ लेट्स काउंट राउंड ग्रीन वन, राउंड ग्रीन टू, राउंड ग्रीन थ्री, थ्री हो गया ये। उसके बाद रिंकल्ड येलो काउंट कर लेते हैं, ठीक है, रिंकल्ड येलो एक, रिंकल्ड येलो दो एंड रिंकल्ड येलो तीन, तो ये भी थ्री हो गया इस टू। अब रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक है, तो ये हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो आया है वो आया है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन। फाइन, नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे जीनोटाइप कैसा होगा, जीनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, तो उसके लिए हमें पहले सारे जीनोटाइप्स लिखने पड़ेंगे, राइट, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप्स अवेलेबल है। तो जीनोटाइप्स लिखने के लिए मैं पहले लिख रही हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, पहला जीनोटाइप तो हमारा यही हो गया। दूसरा जीनोटाइप है हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर हमारा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, फिर हमारे पास है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नाउ विल चेक कि ये जीनोटाइप हमारे पास पहले से ही तो है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, जीनोटाइप मल्टीपल भी तो हो सकते हैं, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वी हैव, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई हमारे पास नहीं है, तो हम इसको फिर से लिख लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर हम यहाँ चेक करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यस वी हैव कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, वी डोंट हैव दिस,
नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, वी हैव दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस वी हैव दिस, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये एक नेक्स्ट फिनोटाइप है. फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस वी हैव दिस फिनोटाइप, जीनोटाइप. देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, यस वी हैव दिस जीनोटाइप. स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस वी हैव दिस जीनोटाइप. स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ओके, तो अब हमने जीनोटाइप तो लिख लिया, नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप्स हैं जो हम काउंट करेंगे. ठीक है, तो अब काउंटिंग कर लेते हैं जरा. तो काउंटिंग करने के लिए अब मैं कौन सा मार्कर यूज करूं, मैंने तो सारे यूज कर लिए, लेट्स यूज ब्लू कलर, कट करेंगे हम. ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लेट्स सी, ये वाला जीनोटाइप है हमारे पास. ठीक है, अब इसी जीनोटाइप का क्या कोई और प्रेजेंट है हमारे पास, वी विल सर्च इन होल पुनेट स्क्वायर टेबल. ठीक है, नहीं है, दैट मीन्स कि ये जीनोटाइप हमारे पास एक है. नेक्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन, ये एक हो गया. लेट्स सर्च कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो हो गया. कैपिटल आर ये हमारे पास दो हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सर्च कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ओके, तो ये भी हमारे पास दो है. अब हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये एक हो गया. फिर यहाँ पे भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो हो गया. फिर ये यहाँ पे भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तीन हो गया. और फिर ये यहाँ पे भी है, तो ये हमारे पास चार हो गए. नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये हमारा एक हो गया. कैपिटल आर नहीं है हमारे पास, ये फिर से हमारे पास वन हो गया. नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये एक हो गया. और ये हमारा दो हो गया, तो ये भी हमारे पास दो है. फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक हो गया, ये हमारे पास एक ही है. फिर हमारे पास आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास दो हैं. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक ये बचता है. तो यानी कि हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या आया, 1:2:2:4:1:2:1:2:1. अब इसको ये याद रखने का कि हमने सही बनाया या नहीं बनाया, उसका सिंपल तरीका होता है. जैसे आप इसको काउंट कर लें, कितने, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे तो आपके पास कितने स्क्वायर्स थे, चार. यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 × 4 = 16, राइट. तो 9 + 3 + 3 + 1, ठीक है. तो आप इसको काउंट कर लें जरा, 10 और 6 16 हो गए ये, यानी ये सही है. यहाँ पे भी काउंट करें, 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 4 = 9 10 10 + 2 = 12 13 14 15 and 16. दैट मींस आपका जीनोटिपिक रेशियो इज आल्सो फाइन. दैट सजेस्ट कि मेंडल ने जो ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस किया, उसका जीनोटाइप जो है वो ये है और उसका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो ये है. तो बच्चों, इस पॉइंट के बेसिस पे, इस हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया. दैट थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, दिस लॉ इज रियली सिंपल, आपको अब तक समझ भी आ गया होगा. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इस लॉ के रिगार्डिंग मेंडल ने ये बताया कि जितने भी एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली F1 गैमीट्स बनाते हैं. ठीक है, या F1 जनरेशन में जा करके सेल्फिंग के टाइम के बाद अपना प्रोडक्ट देते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, पहला तो मतलब ये हो गया भाई कि जहां पे भी R और R है, ठीक है, ये आपने सेग्रीगेशन में ही समझ लिया होगा कि ये जो होते हैं ये गैमीट में ऐसे आते हैं, लाइक 50-50 आते हैं. तो पहला जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया कि 50-50 असॉर्ट होते, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या अलग अलग असॉर्ट होते हैं, यानी 50-50% गैमीट्स में जाते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात भी करते हैं
तो भी वहां पे जो गैमेट्स में एलील्स जाते हैं या ट्रांसफर होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस. मतलब वो अपने सेकेंड एलील्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. मतलब अगर यहाँ से एक आर जा रहा है तो यहाँ से इट कैन बी कैपिटल वाई, इट कैन बी स्मॉल वाई, राइट? तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे जो एक ट्रेट है यानी कि राउंड एंड रिंकल्ड, ये एक ट्रेट हुआ, एक कैरेक्टर हुआ जो कि दो कंट्रास्टिंग एलील्स के थ्रू बताया जा रहा है. तो राउंड और रिंकल्ड ये एक ट्रेट है, ये दोनों यानी कि ये क्या है, सीड के शेप है. तो शेप ऑफ द सीड जो है उसमें ये एक ट्रेट है. और यहाँ पे येलो एंड ग्रीन ये जो है ये एक अलग ट्रेट है, दैट इज सीड का कलर है. समझ रहे हैं आप? तो ये जो सीड का शेप है और सीड का कलर है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं जब ये गेमीट्स बनाते हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इसमें से चाहे कोई सा भी सीड, कोई सा भी गेमी एलील जाए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, यहाँ पर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से कौन सा एलील आया है. ठीक है, तो दैट सजेस्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो दिस वॉज कॉल्ड एज अ थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हम लोगों ने अभी देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थियोरीज वगैरह, जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है. तो टिल देन अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन कमेंट इन लाइक कमेंट बॉक्स, एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर दे सकूं. और टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय.